हेलो स्टूडेंट्स, अनुप सर मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे। तो वही चल रहा है हमारा, क्या एग्जांपल चल रहे हैं आर डी शर्मा से चैप्टर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो हमने 25 तक एग्जांपल्स कर लिए थे, तो आज 26 का नंबर आ जाता है और आज हम लेवल 1 तक के सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो आज मैं पेज नंबर पहले ही लिख देता हूँ, 5.19 तक करेंगे, क्योंकि 29 तक के एग्जाम्पल आज ही हम सोल्व कर लेंगे। फिर लेवल 2 के एग्जाम्पल से थोड़े नए कॉन्सेप्ट आएंगे, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो वो भी देखना है हमें। तो फटाफट करते हैं आज 26 नंबर जो एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, सुन लेते हैं उसकी, क्योंकि नाराज हो जाएगा अगर नहीं सुनेंगे। तो 26 वाला क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी है तुम्हारे पास, राइट एंगल डेट बी, बी पे क्या है राइट एंगल, ठीक है कि हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है और वो राइट एंगल कहां है, बी पे है। तो ये हमारा बी हो गया, ये राइट एंगल हो गया, मान ली उसकी, नाराज नहीं किया उसको। अब वो कह रहा है कि tan a की वैल्यू है 1/√3, tan a इज इक्वल टू 1/√3, ओके नो प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू दो। अच्छा, दो क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट वाला बोल रहा है sin a cos c, ओके, प्लस tan a नहीं है, cos a sin c। सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है हमें, कोस ए कोस सी, ये 12th के कॉन्सेप्ट लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, साइन ए साइन सी, क्योंकि ये फॉर्मूले होते हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, वो वाले 12th में आएंगे, हमारे को ज्यादा अभी तो नहीं समझने, ट्रिग्नोमेट्री के 12th के फॉर्मूले हैं। चलिए फिर, तो सबसे पहले तुम क्या कहोगे सर, अगर tan a की वैल्यू 1/√3 है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सर यहाँ पे x लेके क्यों करते हैं, क्या उसका यूज है, तो बातें बता दो, हमें नहीं करना डायरेक्ट। तो हम करते हैं सर, tan थीटा जो होता था वो इक्वल होता था p अपॉन b के, इसका मतलब ये 1/√3 के इक्वल बोल रहा है, तो p की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू है √3, यस और नो? तो इस अगर एंगल a की बात करूं तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज, और हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 गिवन है इसके अकॉर्डिंग और बेस की वैल्यू √3 गिवन है, तो हमें किसकी निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, और हाइपोटेन्यूज के लिए पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एच इज इक्वल टू 2, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब मुझे करने की जरूरत नहीं है ना, तुम कर लोगे, चलो बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें किस किस की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होता है पी अपॉन एच, p की वैल्यू 1, h की वैल्यू 2, फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन b भी है क्या कहीं पर, यहाँ पे साइन c है, यहाँ तक ये क्वेश्चन, तो ठीक है फिर cos a की वैल्यू निकालते हैं, cos a की वैल्यू कितनी है, cos a होता क्या है पहले b अपॉन h, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है √3, h की वैल्यू है 2। अब बात करें a एंगल में तो साइन a और cos a निकालो था, अब c का बात कर रहा है तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, हम दोबारा ट्राइंगल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल है यहाँ पे सी है, एंगल सी की बात कर रहा है तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, और वैल्यूज वही, ये 2 रहेगी, ये √3 हो जाएगी और ये हो जाएगी 1। और अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए तो निकाले, साइन सी की वैल्यू निकालनी है, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के इक्वल होता है, पी की वैल्यू कितनी है √3 और h की वैल्यू कितनी है 2। सेकंड वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, cos c की, cos c होता है b अपॉन h, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, h की वैल्यू 2। फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं, sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a √3 अपॉन 2 एंड साइन सी की वैल्यू है √3/2। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/4 + 3/4 = 1 लिख दो डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, सही है। सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है हमसे, कोस ए तो √3/2, कोस सी 1/2 प्लस सॉरी माइनस है, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2, तो वैल्यू आई इधर, इधर देखो क्या आएगा √3/4 माइनस, इधर भी आएगा √3/4, वैल्यू आ गई 0।
तो दूसरे की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। ठीक है, तो डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा तुम्हारे। तो एग्जाम्पल नंबर 26 थोड़ा हमें, पहला एग्जाम्पल हमारे लिए थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभी, हर बार ही हो जाता है, क्योंकि थोड़ा उसमें ज्यादा डीपली मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ, फिर हम स्पीडली चलते हैं। क्योंकि कुछ भी हो, नया बंदा अगर हमारी वीडियो देख रहा है, कोई नया बच्चा आके अचानक वीडियो देखता है इस वाले को, तो उसको समझ में तो आना चाहिए ना। तो चलिए फिर एग्जाम्पल नंबर 27 को सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 में क्या कह रहा है हमें? इट विल से दैट 16 कोटे इज इक्वल टू 12। 16 कोटे 12 है, तो सबसे पहले तुम इसको रेशियो में लिखोगे, कोटे इज इक्वल टू 12 अपॉन 16, क्योंकि हमें कोटे की वैल्यू चाहिए, वो तो आ गई। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। तो सिंपली तुम कहोगे, सर यहां से मुझे पता चल रहा है कि कोट ए किसके इक्वल होगा, कोट ए होता है बी अपॉन पी, क्योंकि टेन का उल्टा, वो इक्वल है 12 अपॉन 16 के। तो यहां से बेस की वैल्यू आ गई 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 16। हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम चाहिए हमें। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती थी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा वो, क्योंकि इसने दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया है 256, यहां पे पुट करते हैं तो आएगा 256, इसको ऐड करेंगे तो 0 0 400, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, एच की वैल्यू आ गई 20। टेंशन मतलब बुक वाला भी बताऊंगा, टेंशन मतलब। तो अब हमारे को करना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए। तो साइन ए होता क्या है, साइन ए होता है पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू हमारे पास यहां से पता कर लेते हैं 16, एच की वैल्यू है 20। कोस ए, कोस ए क्या होता है बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है 12, एच की वैल्यू कितनी है 20। साइन ए कोस ए चाहिए, तो फटाफट पुट करो 16 अपॉन 20 प्लस 12 अपॉन 20 अपॉन 16 अपॉन 20 माइनस 12 अपॉन 20, एलसीएम लिया 20 तो आ गया 16 प्लस 12 अपॉन, यहां पे आएगा 16 माइनस 12 अपॉन 20, सॉल्व करो कितना आएगा 28 अपॉन 20 अपॉन, इसको सॉल्व किया तो 4 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 28 अपॉन 20 इंटू 20 अपॉन 4, तो 28 अपॉन 4 2 से कट कर लेते हैं तो 14 अपॉन 2 फिर आ गया 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। अब बुक में क्या किया है इसने, डायरेक्ट उसने देखा कि कोट है, तो साइन अपॉन कोस कर लेता हूं तो टेन आ जाएगा, और कोस अपॉन साइन करते हैं तो कोट आ जाता है। वैसे इसमें भी ऊपर अगर कोस से डिवाइड किया, नीचे भी कोस से डिवाइड करना है, और फिर टेन है, जैसे ये आ गया देखो टेन ए प्लस कोट ए अपॉन टेन ए माइनस कोट ए बन गया, दोनों में किसका डिवाइड कर दिया, कोस का डिवाइड कर दिया, सॉरी हाँ साइन का डिवाइड कर दिया, सॉरी एक बार देखना इसमें किसका डिवाइड किया, साइन का डिवाइड किया, तो यह आया 1 प्लस कोट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस 12 अपॉन 16 अपॉन 1 माइनस 12 अपॉन 16, वैल्यू पुट करो तो आएगा 16 प्लस 12 अपॉन 16 अपॉन 16 माइनस 12 अपॉन 16, तो ऊपर आया 28 अपॉन 16, नीचे आया 4 अपॉन 16, वैल्यू आ गई 28 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 4, देखो वही 28 अपॉन 4 आ रही है। तो हमें इसमें बस ये कि डायरेक्ट करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला यूज में नहीं लेना है, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम के बगैर भी हो जाएगा, तो बस वो भी कर सकते हो, ये वाला भी फॉलो कर सकते हो, तुम्हारे जो पहले माइंड पे क्लिक करे ना उसको यूज में ले लेना। चलिए फिर, थोड़ा टफ लग गया है ना, नहीं है कट कर देंगे हम इसको। 28 एग्जाम्पल नंबर 28 में क्या कह रहा है, इफ 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5। तो वो कह रहा है सो दैट 5 tan अल्फा, सॉरी 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन
फाइव साइन अल्फा प्लस टू कोस अल्फा इज इक्वल टू आना चाहिए 1/6। तो अब उसका ही मेथड यूज में ले लेते हैं, हम भी वापस से नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है। साइन में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें कोस टेन बन जाएगा, कट जाएगा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाई कोस अल्फा। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो ये थोड़ा सा डीपली समझाता हूं। कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा अपॉन फाइव साइन अल्फा प्लस टू कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा। अब दोनों में सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा, यहां पे आप लिखोगे फाइव साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस थ्री कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा अपॉन फाइव साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस टू कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, और यहां पे है ऊपर वाले में माइनस था। ठीक है, अब हमें करना है, अब ये कहीं के डाउट हो रहा है सर ये कैसे हो रहा है, तो बेटा नया कॉन्सेप्ट है समझ तो लेते हैं ना, नया कॉन्सेप्ट है, बस समझना क्या है कि सर टेन गिवन है तो सबको टेन बनाओ। ठीक है, अगर कुछ और गिवन होता तो कोशिश करते वो बन जाए जिसमें वैल्यू गिवन है वो ही। तो हमने यहां से देखा कि सर ये टेन अल्फा बन गया फाइव टेन अल्फा, क्योंकि बात मैंने तुमको बताई थी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, एंड इसका जस्ट कन्वर्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोस अल्फा। प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं अपन कोट अल्फा, तो वाली बात है। डायरेक्ट देखो माइनस थ्री अपॉन फाइव टेन अल्फा प्लस टू, अब टेन अल्फा की वैल्यू पता है फोर अपॉन फाइव, तो फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव माइनस थ्री अपॉन फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव प्लस टू, तो फाइव से फाइव कैंसिल तो फोर माइनस थ्री, फाइव से फाइव कैंसिल फोर प्लस टू, तो आ गया वन अपॉन सिक्स। तो इसकी वैल्यू आ रही है वन अपॉन सिक्स। सही है, कैसा लगा? और तुम अगर करना चाहो तो वैसे बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, तो सर ये लास्ट एग्जाम्पल है, और अगर तुमने सारी वीडियो देखे तो मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तुम नहीं करोगे उसको, कुछ ना कुछ तो करोगे। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 29 क्या कह रहे बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 12/13, टेन थीटा इज इक्वल टू 12/13, इवेल्युएट टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन, अब सबके माइंड में वही चल रहा है सर वो कर दो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो? अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि सर नीचे स्क्वायर में है, तो अगर नीचे मुझे टेन थीटा बनाना है तो अगर मैं यहां पे कोस थीटा डिवाइड करता हूं वापस से कोस थीटा बच जाएगा, और यहां पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करता हूं तो टेन थीटा इंटू साइन थीटा बचता है, समझ में आ रही है? साइन थीटा कोस थीटा, तो टेन थीटा बन गया, एक साइन थीटा रह गया तो बच गया साइन थीटा, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे किससे, कोस स्क्वायर थीटा से। क्या फायदा हुआ देखो, ये कॉन्सेप्ट समझाया बीच में ना, तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो इस कोस से ये कोस कट हो जाएगा तो क्या बचेगा कोस थीटा, तो यहां पे तुम क्या लिखोगे देयरफॉर टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, ये दोनों में डिवाइड होगा तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये सुनो करेंगे ऐसे ही। तो यहां से हमें पता चल रहा है ये तो कैंसिल हो गए, यहां पे तो वन बच गया, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे डायरेक्ट नहीं बनता है, हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बात हमें पता है, ये सुनो, और अगर इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या हो रहा होगा स्क्वायर, देयरफॉर वी कैन राइट दैट टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर। समझना कुछ बड़ी बात नहीं थी, बस बेसिक्स था इसका कुछ कि डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा समझ के लिखना है इसको, तो ये वाली बात तो ठीक है हमने लिख लेनी, ऊपर क्या बच गया टेन थीटा, तो ऊपर आ गया टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन है तो टू इंटू 12/13 अपॉन
वन माइनस ट्वेल्व स्क्वायर अपॉन थर्टीन स्क्वायर, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये तो हो जाएगा ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर अपॉन थर्टीन अपॉन, इधर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, तो यहाँ पे 169 माइनस 144, तो ऊपर को क्या रह गया 24 अपॉन 13, डिनोमिनेटर में क्या आया, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 और 2, 25 अपॉन 169, इसको आगे सॉल्व किया तो 24 अपॉन 13 इंटू 169 अपॉन 25, 13 से ये कट जाएगा 13 टाइम, आएगा 24 इंटू 13 अपॉन 25, और चेक कर लेते ऐसा ही कौन सा रहा, यस तो आंसर आ गया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 312 अपॉन 25, ये मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना तुम लोग, मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है तो मैंने डायरेक्ट कर लिया। तो ये तो थे हमारे बेसिक्स लेवल वन के एग्जाम्पल जो हमने करने थे पेज नंबर 5.19 तक, कल हम करेंगे क्या एग्जाम्पल नंबर 30, और वो किसमें लेवल टू में, थोड़ा और डिफिकल्टी मीन्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमारे लिए बन जाएंगे, उनको भी सोल्व करना सीख लेंगे। जैसे ये हमारे लिए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था, उसको यूज में लिया, तो ये लेंथी भी लग रहा होगा क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी ज्यादा, क्योंकि कुछ ही एग्जाम्पल हमारे लिए आए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखना, अगर ये तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम डायरेक्ट टेन थीटा से पी और बी की वैल्यू निकालना, फिर एच की वैल्यू निकाल लेना और उससे कर लेना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, लास्ट में आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, इंप्रूव करते रहो। थैंक यू।